Hey guys, welcome to my vlog. So दोस्तों right now इस वक्त मैं हूँ बेसू की सड़कों पे और आज हम सबवे जाने वाले हैं. एक्चुअली मैंने काफ़ी दिन से यार YouTube पर देखा है कि लोग सबवे पे ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं. इंडियन वीडियो ज़्यादा मैक्सिमम मैंने देखी हैं, आउट ऑफ कंट्रीज तो बहुत ही थोड़ी बहुत देखी होंगी, जिसमें 3-4 आई थिंक 5-6 आउट ऑफ 10 देखी होंगी. तो चलिए आज चलते हैं सबवे में और फिर उसके बाद टेस्ट करते हैं, फिर ऐसे फिर आपको बताते हैं कि ऐसा क्या खास है कि अट्रैक्शन है सबवे से सभी लोगों का. और इसी रूट पे है, मैं ज़्यादा जानता नहीं हूँ, थोड़ा आउट ऑफ एरिया है, लेकिन ढूंढ रहे हैं, देखते हैं शायद आगे है, फिर वहाँ पहुँचते हैं और फिर वहाँ से कंटिन्यू करते हैं हमारा ब्लॉग. यहाँ का वाइब थोड़ा अलग है, देखिए कितनी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें हैं यहाँ पर. पीछे बैक साइड में श्याम बाबा मंदिर था, वो मैं आपको रिसीप्ट में दिखाऊंगा जब मैं घर जाने लगूंगा. अभी पहले चलते हैं सबवे में, फिर वहाँ पे आपको शो करके दिखाता हूँ, बताता हूँ. शायद आई थिंक आ गया है, हाँ ये देखिए यहाँ पे आ गया है. तो चलिए चलते हैं अंदर, परमिशन अलाउ अगर हो जाएगा तो अंदर जा पाएंगे, और नहीं जाने दिया, अगर परमिशन नहीं दिया तो चलिए देखते हैं. इधर डोमिनोज का है, पिज़्ज़ा हट जो बोलते हैं, और सब खड़ी हैं गाड़ियाँ डिलीवरी के लिए. जैसे जैसे ऑर्डर होगा वैसे वैसे यहाँ से गाड़ियाँ निकलेंगी. सो गाइस पीछे है सबवे, तो चलिए चलते हैं अंदर और एंट्री करते हैं, फिर सारे डिटेल्स देते हैं और दिखाते हैं क्या क्या प्राइस रेट है. ऑलरेडी यहाँ पे बाहर भी दिया हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ. ये देखिए 138, 157, और डे बाई डे यहाँ पर सब कुछ मिल रहा है, अलाउ है, टाइमिंग भी दिया हुआ है. सो लेट्स गो इन. एक्चुअली यहाँ पर क्राउड नहीं है क्योंकि आउट ऑफ टाइम है अभी हम लोग जो आए हैं. ये कौन सा वाला बर्गर है? कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? तो सर यहाँ पे खड़े हैं, एक पिन सर का ऑर्डर है, अब देखते हैं कि तो मैं देखता हूँ क्या लेता हूँ. मेरे को इनके नाम भी पूरी अच्छी तरह से नहीं पता है, तो चलिए पहले मैं अपना ऑर्डर कर देता हूँ, फिर उसके बाद आगे कंटिन्यू करता हूँ. सो यहाँ पर एक चीज़ और अलग है कि यहाँ डे बाय डे जो ऑफर रहता है वो चेंजेस रहता है. सैटरडे संडे मंडे हर दिन का कुछ अलग अलग प्लान है. फाइनली मेरा भी डिसाइड हो गया है, यहाँ पर दो है अलग अलग वेराइटीज़ के, वेज में और नॉन वेज में है, तो हम लेंगे वेज में. नॉनवेज मेरे को ज़्यादा पसंद नहीं है इसमें, तो अभी मैंने किया है हरा भरा कबाब, तो चलिए वही वाला ऑर्डर देते हैं और देखते हैं कितना टाइम लगता है हमारा ऑर्डर कंप्लीट होने में. और एक चीज़ और है, जितना प्राइस दिया है उसमें यहाँ पर GST भी ऐड होगा, वेरी इंटरेस्टिंग.
हरा कबाब 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 जो भी है मेरे से नाम भी नहीं लिया जा रहा, बोलिए फर्स्ट टाइम है तो स्टार्ट करते हैं हमारा। ये रहा डिश, मैंने आपको जब दिखाई दिया था कि कैसा है, कितना इसमें आइटम पड़ा है, 10 वैरायटी की इसमें सॉस है और ऑनियन है, बाकी इधर दिखा दिया हूँ। तो इसको बराबर टेस्ट करते हैं फिर आपको बताते हैं। काफ़ी बड़ा हो चुका है, इसको लैस करना पड़ेगा। बेस्ट है, आई थिंक 10 out of 10। आप पता चल गया कि क्यों इतने ज़्यादा अट्रैक्शन है सबवे से इंडियन पीपल्स को, आउट ऑफ कंट्री सभी लोगों को। और एक बात बता देता हूँ कि यहाँ पर इतना भीड़ क्यों नहीं है, क्योंकि मैं जो आया हूँ मेरा आउट ऑफ टाइमिंग है। एक बार थोड़ा सा पूरा व्यू दिखा देते हैं। यहाँ पर शाम को 7 से उसके बाद 12 बजे तक भीड़ भीड़ रहता है, क्योंकि इधर जो है चिड़ियन वाले बाहरी बड़े बड़े लोग आते हैं, हमारे जैसे गरीब लोग कम आते हैं। अब इसको फिनिश करते हैं, उसके बाद फिर ड्रिंक में देखते हैं क्या लेते हैं। अभी हम लोगों का कंप्लीट हो चुका है, पानी वानी मिल गया, पानी पीते हैं और फिर चलते हैं यहाँ से बाहर। और देखिए धीरे धीरे यहाँ पर क्राउड होने लगा है, टाइमिंग हो चुकी है लोगों के आने की और हमारा फिनिश हो गया है। मैं जब आया था उस वक्त कोई नहीं थे, लेकिन देखिए यहाँ पर अब लोग आ चुके हैं। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने सपोर्ट किया आरती से सर्विस की, दिल से शुक्रिया। दिस वन एक ये यूट्यूबर है, कौन सा चैनल है? हाँ ये कर लो पहले किडिंग मजाक कर रहे हैं। सो अभी सबवे से निकल चुका हूँ और मेरा जो प्रोसेस था जो कंप्लीट हो चुका है, मैंने टेस्ट करके भी बता दिया आप लोग को कैसा था। और अब इवनिंग का मूड हो रहा है, इवनिंग का टाइम हो रहा है, तो अब क्राउड होगा। लास्ट 2 वीडियोस में मैं नाइट में मैंने शूट किया था, इवनिंग ज़्यादा हो गई थी तो इसके लिए जो क्वालिटी थी वो अच्छी नहीं आ रही थी, वीडियो से नहीं आ रही थी। तो इसके लिए अभी मैं आया था दोपहर में जल्दी का टाइम। क्या नाम है? चेतन राठौर जी हमारे सब्सक्राइबर हैं। सब्सक्राइबर नहीं है एक्चुअली, उन्होंने बोला कि हमको भी ले लो अपने वीडियो में, तो ले लिया। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे अब आगे आपको मैं दिखाता हूँ मैकडी, जहाँ पे मैं आया था, मेरा एक ब्लॉग ऑलरेडी शूट था। आपने नहीं देखा हो तो जाइए चैनल पर जाके सर्च करके देख लीजिए, वो भी काफ़ी अच्छा है। अगर दिल से कहूँ तो सबवे काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा वहाँ का, अच्छी सर्विस दी उन लोगों ने मुझे और अच्छे से बर्ताव किया, प्यार से, कोई एक्सक्यूज़ नहीं था, जो मन में आया वैसा किया, कोई रोक टोक नहीं थी। जैसे मैकडी में थी पहले परमिशन लेना पड़ा फिर पूछना पड़ा, मगर यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं, शायद क्राउड नहीं था इसके लिए, बट जैसा भी था अपना ब्लॉग बराबर शूट हुआ और काफ़ी अच्छा भी लगा। तो गाइस ये है श्याम बाबा मंदिर, जहाँ पर हमेशा भीड़ रहती है, संडे है तो इसके लिए आज ज़्यादा क्राउड है। अगर आप लोग कहेंगे तो इसका भी ब्लॉग बना करके मैं आपको दिखा दूँगा अंदर से, बट आज नहीं जाएंगे, नेक्स्ट टाइम पक्का। अगर मेरे पास टाइमिंग हो, सेविंग में हो,
तो मैं पर डे ब्लॉग बनाऊँ आप लोग के लिए, बट मेरे पास संडे को ही टाइम रहता है जिस दिन मेरी छुट्टी रहती है वीकेंड में। तो जैसा भी है, जितना मेरे से हो पाता है उतना मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं, कौन सी मिस्टेक्स हैं, कौन सी नहीं हैं, ताकि मैं उनको सुधार सकूं। और बाकी ब्लॉग्स के बहाने घूमने को भी मिल जाता है और खाने को भी मिल जाते हैं अच्छे अच्छे आइटम, जो कि मैंने कभी खाए पिए भी नहीं थे, बट मैं ब्लॉग्स के दौरान ऐसी ऐसी चीज़ें खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, जो मैंने पहले कभी नहीं खाई या पी हैं और ना ही देखी हैं। जैसे कि आज मैं सबवे में गया था, ये मेरा फर्स्ट टाइम का फर्स्ट एक्सपीरियंस था। तो आपको कैसा लगा कमेंट में ये भी बताइएगा। तो दोस्तों ये रहा वो मैकडी जिसका ऑलरेडी एक ब्लॉग मैंने बना रखा हमारे चैनल पे, अगर आपने नहीं देखा है तो जाइए देखिए, वो भी बहुत अच्छा ब्लॉग है। सो वेसु की सड़कों से स्टार्ट किया हमने आज का ब्लॉग और यहीं पर एंड करेंगे हमारा आज का ब्लॉग। अगर आपको ब्लॉग ये वाला पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि हमारी आगे की ऐसी इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स आपको देखने को मिलती रहें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, अभी तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।